और किसी पूंजीपति का बेटा, किसी कॉरपोरेट का बेटा 20 लाख 25 लाख 30 लाख में सीटों को खरीद कर ले जाएगा। और एक साधारण, एक गांव, एक कस्बे में तैयारी करने वाले एक किसान परिवार का जो बेटा या बेटी होगी, उसके सपने यूं ही चकनाचूर होते रहेंगे। रांची में जो छात्रों के द्वारा आह्वान किया गया है, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, इस आंदोलन को गतिशीलता प्रदान करेंगे और छात्रों की आवाज को बुलंद करेंगे, ताकि उस आवाज को सुनकर सरकार बैकफुट पर आए और पुनः एक स्पष्ट, एक स्वच्छ परीक्षा ली जाए। इसके लिए मैं तमाम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सदस्यों से आह्वान करूंगा, विशेषकर रांची की टीम, चूंकि आंदोलन रांची में होगा और हमारा संगठन अभी संसाधनों की कमी से चल रहा संगठन है, अतः रांची की जो हमारी टीम होगी, उनके सीमावर्ती जो जिले होंगे, जैसे रामगढ़, गुमला, हजारीबाग, जो सीमावर्ती जिले हैं, उन तमाम साथियों से मेरा निवेदन होगा, कल के प्रोटेस्ट में आप भागीदार होंगे। एविडेंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं, इससे एक बार फिर से यह संदेह और यह प्रतीत हो रहा है कि इस बार भी कहीं ना कहीं JSSC CGL की परीक्षा में धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक जैसे मामले पुनः सामने आ रहे हैं। अब सवाल ये बनता है कि आखिर क्यों? जोहार झारखंड। बड़े उम्मीदों के साथ, संघर्ष, तप और बलिदान के साथ अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। इस राज्य का निर्माण इस उद्देश्य के साथ किया गया था कि जब इस राज्य का निर्माण होगा तो यहाँ के छात्रों का भविष्य बेहतर होगा, यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवान, यहाँ की महिलाओं को सम्मान मिलेगा। लेकिन आज इस राज्य के गठन होने के 24 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी जो इस राज्य की प्रतियोगिता की परीक्षाएं, जिनको जिम्मेदारी सौंपी जाती है, JPSC रहे, JSSC रहे, आज 24 साल के बाद भी कटघरे में खड़ी है। और साथ ही तमाम छात्र संगठनों के द्वारा कल 30 तारीख को रांची में कार्यक्रम आंदोलन का रखा गया है। इस आंदोलन का JLKM पूर्ण समर्थन करता है और मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे राज्य में हमारे JLKM के जितने भी साथी हैं, नौजवान हैं, उनसे निवेदन होगा, उनसे अनुरोध होगा कि कल 30 तारीख को रांची में जो छात्रों के द्वारा आह्वान किया गया है, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, इस आंदोलन को गतिशीलता प्रदान करेंगे और छात्रों की आवाज को बुलंद करेंगे, ताकि उस आवाज को सुनकर सरकार बैकफुट पर आए और पुनः एक स्पष्ट, एक स्वच्छ परीक्षा ली जाए। इसके लिए मैं तमाम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सदस्यों से आह्वान करूंगा, विशेषकर रांची की टीम, चूंकि आंदोलन रांची में होगा और हमारा संगठन अभी संसाधनों की कमी से चल रहा संगठन है, अतः रांची की जो हमारी टीम होगी, उनके सीमावर्ती जो जिले होंगे, जैसे रामगढ़, गुमला, हजारीबाग, जो सीमावर्ती जिले हैं, उन तमाम साथियों से मेरा निवेदन होगा, कल के प्रोटेस्ट में आप भागीदार होंगे, उनका सहयोग करेंगे और जितने भी हमारे पार्टी के लीडर्स हैं, उनसे भी मेरा नम्र निवेदन होगा, कृपया छात्रों द्वारा बुलाई गई इस आंदोलन को समर्थन करेंगे। और साथ ही मैं सरकार को संदेश देना चाहूंगा कि कल 30 तारीख को जो छात्रों के द्वारा प्रदर्शन रखा गया है, उस पर अगर सरकार बैकफुट पर नहीं आती है तो जल्द ही झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा एक नए प्रारूप के साथ छात्रों की आवाज को बुलंद करेगा, इस राज्य में जगह जगह प्रदर्शन करेगा और सरकार के जो ये कृत्य किया गया सरकार के द्वारा, उसका हिसाब मांगा जाएगा। पुनः JSSC CGL के परीक्षार्थियों से मेरा अनुरोध होगा, आप डटे रहें, आप मायूस ना हो, ये लोकतांत्रिक भारत है, आपको अपनी आवाज को रखने का पूर्णता अधिकार है। आपके साथ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा संगठन आपके साथ खड़ा है। JSSC CGL की परीक्षा विगत कई वर्षों से लंबित पड़ी है, छात्र इस आस में थे कि परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा को लिया जाता है। सर्वप्रथम 28 जनवरी 2024 को परीक्षा ली जाती है, वो छात्र परीक्षा के केंद्रों में जाते हैं, परीक्षा को लिखते हैं और एक संतोषजनक परीक्षा लिखने का अनुभव करते हैं। लेकिन जब शाम को घर वापस आते हैं तो उन्हें झटका लगता है, उनके पांव से जमीन खिसकता हुआ दिखता है, वो परीक्षा का पेपर लीक हो चुका होता है। छात्र सदमे में होते हैं, छात्र अब उम्मीद लगाए तो लगाए किस पे, लेकिन आंदोलन होता है, उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप एग्जाम को रद्द कर दिया जाता है। अब उम्मीद जगाई गई थी कि एग्जाम फिर से लिया जाएगा और री एग्जाम पुनः होता है, 21-22 सितंबर 2024 को पुनः री एग्जाम होता है। लेकिन इस बार भी जो दृश्य सामने आए हैं, जिस प्रकार के तथ्य और साक्ष्य छात्रों के द्वारा, तमाम कोचिंग संस्थानों के द्वारा, तमाम जो पढ़ाने वाले
शिक्षक है उनको द्वारा जो साक्ष्य एविडेंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं, इससे एक बार फिर से यह संदेह और यह प्रतीत हो रहा है कि इस बार भी कहीं ना कहीं जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक जैसे मामले पुनः सामने आ रहे हैं। अब सवाल ये बनता है कि आखिर क्यों, इन छात्रों का गुनाह क्या है? ये छात्र जो अपने घरों का त्याग करके हजारीबाग, रांची, धनबाद की एक कोठरी में अपने जीवन का 5 साल 7 साल 10 साल समय व्यतीत करते हैं, एक उम्मीद के साथ कि एक परीक्षा को जब पास करेंगे तो एक अवसर मिलेगा और उस अवसर से जो मुझे एक पहचान और नाम और जो एक साधन मिलेगा उससे मेरा परिवार बेहतर हो सके। लेकिन आज पुनः छात्र सड़कों पर है, छात्र उनके पांव तले जमीन खिसक रही है, सरकार मौन है, सरकार जवाबदेही नहीं ले रही है, तो आखिर कब तक? इसलिए आज मैं जेएसएससी सीजीएल के तमाम अभ्यर्थी परीक्षार्थियों का समर्थन उनके आंदोलन के साथ खड़ा हूं, और साथ ही साथ इस बार मैं अभिभावकों से अनुरोध करूंगा, जो अभिभावक हैं, आखिर कब तक आप लोग देश के नाम, देश धर्म इंडिया पाकिस्तान के नाम पर वोट करेंगे? जिनको आपने वोट किया है उनसे सवाल कीजिए, आपके छात्रों का भविष्य अंधेरे में है। ठीक है, आपने वोट जिनको किया है, अगले बार भी उनको करे या ना करे वो आपका विषय है, लेकिन फिलहाल वर्तमान में घरों से बाहर आइए। केवल छात्र ही नहीं, छात्र के अभिभावक, आप भी घरों से बाहर आइए अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए। आपके बच्चों के भविष्य को कोई छीन ना ले, उसे अंधेरे में ना डाले, सड़कों पर आइए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, और जो आज जेएसएससी सीजीएल का जो रवैया है, इस रवैये के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें, ताकि सरकार को होश आए। वास्तव में सरकार को होश इसलिए नहीं आता है कि उनको लगता है आंदोलन करने वाले छात्र हैं, बच्चे हैं, उनके गार्जियन तो हमें वोट करेंगे ही, उनके गार्जियन तो चुनाव में हमारे साथ जाएंगे, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। तो आज सरकार को डर होना चाहिए, ये लोकतांत्रिक भारत है, जिनको आप चुनते हैं उनमें डर होना चाहिए जनता का। आज जनता का डर उनमें समाप्त हो रहा है, इसके कारण हम भी हैं। इसलिए आज तमाम अभिभावकों से भी मेरा अनुरोध होगा कि आज जेएसएससी सीजीएल में जो पुनः धांधली सामने आ रही है, गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है, पेपर लीक जैसे मामलों के विषय सामने आ रहे हैं, इस पर अपनी आवाज बुलंद कीजिए, अपने बच्चों का साथ दीजिए, नहीं तो आपके बच्चे इसी प्रकार तैयारी करते रहेंगे और किसी पूंजीपति का बेटा, किसी कॉरपोरेट का बेटा 20 लाख 25 लाख 30 लाख में सीटों को खरीद कर ले जाएगा, और एक साधारण एक गांव एक कस्बे में तैयारी करने वाले एक किसान परिवार का जो बेटा या बेटी होगी उसके सपने यूं ही चकनाचूर होते रहेंगे। इसलिए आंदोलन अब केवल छात्रों का आंदोलन नहीं है, अगर एक बार पेपर लीक होता तो चलिए छात्र सड़क पे आते, ये बार बार चीजों को दोहराया जा रहा है, बार बार सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है, बार बार सरकार इस कृत्य में मौन हो जाती है। उन्हें भय नहीं है कि लोकतांत्रिक देश में एक जनता का मताधिकार क्या होता है, उन्हें जनता के मताधिकार का भय दिखाइए। इसलिए इस बार छात्र ही नहीं प्रोटेस्ट में आएंगे, इस बार अभिभावक बुद्धिजीवी वर्ग तमाम लोग, अगर जो मामले सामने आ रहे हैं उस मामले में सत्यता है, उन तथ्यों में प्रामाणिकता है, आप आइए छात्रों का सहयोग करें, नहीं तो यूं ही छात्रों का भविष्य अंधकारमय होता रहेगा। इसलिए आप तमाम अभिभावकों से भी मेरा अनुरोध होगा, जेएसएससी सीजीएल का जो मामला सामने आया है, जो गड़बड़ी धांधली और पेपर लीक का मामला आया है, इसमें तमाम स्टूडेंट्स का आप लोग कोऑपरेट करें। जोहार झारखंड, जय झारखंड।